तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम हैं तोश में, तोश से आपको बोल रहे गुड मॉर्निंग। तो कल रात तो भाई साहब ने हमें कल यहाँ पे जगह दे दी थी, बिहारी भाइयों ने, और हमने यहाँ पे टेंट लगा लिया। उन्होंने अभी हमें चाय भी बना करके पिलाया, बहुत टेस्टी। ये नहीं पी पाया क्योंकि थोड़ा सा मीठा था ज्यादा, और ये मीठा चाय नहीं पीता है। और यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत मलाना जैसा ही है, लेकिन मलाना में तो हम बहुत टॉप पे थे तो वहां के नजारे कुछ और ही थे। यहाँ का भी व्यू बहुत ही तगड़ा है, देखो वहां पे सामने में एक छोटा सा पुल है और ये एक एकदम आखिरी छोर है। सामने में सेब की पेड़ है, हिमाचल में तो मुझे लगभग हर जगह पे सेब की पेड़ें मिल ही रही है। और मैं अपने भाइयों से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये दो भाई दोनों सोए हुए हैं, यहाँ पे हमारा किचन था, यहीं पे हमारा चाय बना था रात में। हाय बोल दो भाई। थैंक यू रात में हमको जगा देने के लिए स्टे का और चाय पिलाने के लिए सुबह सुबह। तो सीन्स है, ऐसे ही सीन्स है। अभी हम यहाँ से उठेंगे और फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद हम यहाँ से आज तोश को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं आपको तोश में क्या क्या दिखा सकते हैं। क्योंकि खीर गंगा ट्रैक हमने सोचा था कल, लेकिन खीर गंगा ट्रैक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वो पहाड़ मलाना से भी थोड़ा सा छोटा ही है। और हम पिछले मैं कुछ दिनों से पहाड़ चढ़ते ही जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बॉडी को भी रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि बॉडी थोड़ा थक चुका है। और कुछ दिनों में मेरा ट्रिप शायद ख़त्म होने वाला है। और कल जो भाइयों ने कमेंट किया था उनका बहुत थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट से शायद इसके सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है नॉर्थ ईस्ट आने के लिए, तो उनका बहुत थैंक यू। बहुत जल्द मैं आऊँगा नॉर्थ ईस्ट और आपसे ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू भाई, इसको मत इनवाइट करो, बारिश बंद हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। ओ, अभी भी जाता हूँ, अभी बस यहीं पे ढलान है भाई, हम यहाँ पे सोए, कितना रिस्क देख रहे हो। इसलिए एक दूसरे की तरफ मुंह करके ऐसे करके टेंट लगाया हम कि रात में कुछ हाँ। बंदा रात को मतलब सपने में चलते हैं ना लोग। तो, कोई भी गलती हो तो हम बच जाएं, गिरे ना। अरे मौसम कितना बढ़िया रखा ऊपर यार, ऐसा मौसम 1947 में दिखता था। कल मम्मी ने मुझे कॉल किया तो मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे तो इतना गर्मी है कि चले जाला। तो मैंने मम्मी को पूरा जलाया कि मैं तो पूरा मजा ले रहा हूँ यहाँ पे, एकदम ठंड में मजा आ रहा भाई, वेदर बहुत ही तगड़ा है। बस मैं यहाँ पे एक ही चीज को मिस कर रहा हूँ, पता है क्या, वो है मलाना क्रीम, क्योंकि उसमें जो गर्मी थी ना भाई साहब मलाना क्रीम में, वो यहाँ की क्रीम में नहीं है। ठंडा लग रहा है आपको? जैकेट लेने जाना पड़ेगा वापस नीचे। हाँ। हमारा बाइक भी बहुत दूर लगा हुआ है जैकेट लाने के लिए, जब तक ये जाएगा तब तक इसकी बॉडी ऐसी वार्म हो जाएगी दौड़ के। तो अभी हमने थोड़ा सा हिम्मत किया था नीचे जाने का, लेकिन नीचे इतनी बारिश होने लगी, छोटी छोटी बूंद, और इतना ठंड होने लगा कि हम भाग के वापस आ गए। आज शायद हम आपको तोश ना दिखा पाए, तो यहीं पे खाना वाना अपने बिहारी भाई लोग बनाएंगे और हम खाएंगे और जम के सोएंगे। आज नींद भी बहुत अच्छा रहा, मौसम देखो बारिश हो रहा है, छोटा छोटा स्प्लैश हो रहा है बारिश का। इतना प्यारा मौसम है कि इंसान दिन में 5 बार भी सो जाए। तो मैं बहुत दिनों से दिन में सोया भी नहीं हूँ, तो आज सोच रहा हूँ थोड़ा सा सोऊंगा, वीडियो एडिट्स करूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे आज और आपको थोड़ा बहुत नज़ारा भी दिखाएंगे। कल आपको हो सकता है कि मैं पूरा तोश घुमाऊं, तो जैसा होता है आप देखते रहो। अगर बारिश रुक गई, अगर मौसम वेदर साफ हो गया तो हम फिर तोश को एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो फिर हम रिलैक्स करेंगे यहाँ पे बैठ के। उसने अपना टेंट लगा लिया है क्योंकि बारिश अभी हो रही थी, देखो यहाँ पे देख रहे स्प्लैश, इसलिए उसने टेंट लगा लिया और मेरे भी टेंट थोड़े थोड़े भींग रहे, तो मैं भी अब टेंट लगा करके अभी ये गया था नीचे अपने सामान वामान लाने के लिए। तो ये देखो इसके बॉडीगार्ड्स, ये जहाँ जाता है दो बॉडीगार्ड्स हर जगह बना लेता है, एक ब्लैक एक व्हाइट, देख रहे हो क्वालिटी है भाई। मैं जहाँ जाता है खींचे चले आते हैं इसके साथ में सारे। और अभी कुछ सामान वामान लाए हम पूरा एकदम, मैं तो नीचे नहीं गया था, मुझे ठंड लग रही थी, अकेले गया था। कोक पियेंगे, ये कुछ सामान है, मैगी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला। कोका कोला वाले प्लीज कॉन्टेक्ट करो, इस गरीब इंसान तक कुछ पैसे पहुंचाओ। और ये हमारा सलाद का जुगाड़। हाँ फिर अमिताभ बच्चन को कॉन्टेक्ट करते हो यार, ऐसा थोड़ी ना। ये देखो, हेलो टॉमिंग। तो अभी हम अपने किचन की ओर रवाना हो रहे हैं और कुछ तगड़ा सा बनाएंगे। मौसम अभी थोड़ा सा साफ हुआ था लेकिन फिर से लग रहा है कि बादल फिर से घिर रहे हैं। देखो तो आज का प्लान शायद कैंसिल ही रहेगा, हम नहीं कहीं घूमेंगे, आज बनाएंगे खाएंगे पकाएंगे। तो ये रहा, एक 4-5 पैकेट मैगी है, सूप का पैकेट है, ब्रेड है दो, और यहाँ पे सलाद के सीजे हैं, इधर भाई लोग हैं, अभी इधर कुकिंग करेंगे। शाम में हम खीर भी बनाएंगे, खीर के लिए भी चावल आ चुकी है, दूध बचा हुआ है ही 1 लीटर, तो खीर भी बनाएंगे। तो अभी कुकिंग करते हैं। अपना ब्रेड ऑमलेट का बैटर तैयार है, इधर ब्रेड पड़ा है, तेरे यहाँ गर्म हो रही है,
और अभी इस बैटर को पूरा डालेंगे, इतना प्यारा सा लग रहा है देखो। इस पूरे बैटर को डाल के फिर इसके ऊपर से ब्रेड डाल के पूरा इसको मैरिनेट करके पूरा फ्लिप करके बना दूंगा। और अपना भाई प्याज व्याज काट रहा है, भाई लोग के लिए भी बनाना है अभी ब्रेड वगैरह, तो मैं बना रहा हूँ, अभी वीडियो नहीं बना सकता ये बनाते बनाते। फाइनली ब्रेड ऑमलेट खत्म होने के बाद कुछ इस तरह का ब्रेड ऑमलेट बनाया देखो आप, कुछ इस तरह का प्यारा सा। उसके बाद अभी हम बना रहे हैं सूप, पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है तो अभी सूप बनाएंगे, भाई लोग को भी सूप देंगे, हम भी सूप पियेंगे, उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ एक पावर नैप लेने का। तो फिर से आपका स्वागत है। अभी पूरा मौसम देखो यहाँ का तोश का भाई, इतना बढ़िया रेन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतनी अच्छी बारिश मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतना प्यारा बारिश हो रहा है, पूरा पता ही नहीं चला, लग रहा है ऐसा कुहासा है कोहरा सा है लेकिन हो रहा है बारिश। और हमारा टेंट वेंट भी भीग चुका है थोड़ा सा, तो हमने आज जम के सोया, मैं तो सोया नहीं ज्यादा, मैं एक डेढ़ घंटा सोया और मैंने वीडियो वगैरह एडिट किया अपने, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी बहुत महसूस हो रहा है। अभी उठे तो इस हेवी रेनफॉल में हम तो कुछ घूम घूम पाए नहीं, मैंने इसमें बैठ के जम के एडिट किया, उसने जम के नींद लिया, पूरा नैप लिया, पावर नैप। तो अभी जैसे उठे हम तो मैं गया अंदर, तो वहां पे देखा मैंने कि बिहारी भाई लोग अपने सोए हुए, अपने भाई साहब सब सारे सोए हुए हैं, मुझे लगा कुछ लंच वंच बना होगा, उनका कुछ सीन था लंच का, लेकिन कुछ भी लंच नहीं बना हुआ था। तो अभी मैंने डिसाइड किया, हमारे पास 2-4 पैकेट मैगी सुबह की पड़ी हुई थी, उसी को मैंने पूरी पहाड़ी स्टाइल में मैगी बना रहा हूँ, अभी मैगी खाएंगे, फिर रात के डिनर में हम बनाएंगे खीर रोटी और कुछ स्पेशल सी सब्जी बनेगी। और वेदर यहाँ का, अगर आप यहाँ पे 10 मिनट बैठ जाओ ना, सुकून मिल जाए आपको, सुकून बिल्कुल। देखो वहां से देखो बादल ऐसे उठ रहे हैं और सामने में पूरा नेचर, अपना पेड़ हरियाली, मतलब फुल ऑन ऑक्सीजन, और ये टिप 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 बारिश देखो कैसा ऐसा, तो पूरा बारिश का सीन है यहाँ पे। तो आज हम कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, ठीक है, बस एंजॉय किया हमने आज का पूरा दिन, मैंने आपको बस वही दिखाया। सॉरी अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी इरिटेटिंग या इरिटेटिंग लगाओ या बेकार लगाओ, उसके लिए सॉरी। जैसा हो रहा भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा सीन्स मेरे साथ गुजर रहे हैं मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, और मैं डे बाय डे अपने ब्लॉग्स को अच्छी करने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ, डे बाय डे अपने अंदर में इम्प्रोवाइजेशन ला रहा हूँ, और ये भाई भी है वे भी मुझे कुछ कुछ थोड़ा बहुत सिखा रहा है, तो इसका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी मैं आपको सीधा अपने मैगी के पास लेके चलता हूँ, जो मेरे मैगी बन रही है वो मैं दिखाता हूँ। तो भाई साहब क्या आप सो गए थे? भाई भी पूरा नींद ले रहे हैं, यहाँ पे अंधेरा हो गया है, लाइट तो है नहीं, तो मैगी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, ये देखो मैगी कुछ इस तरह से, नीचे में इसका पूरा ग्रेवी वगैरह तैयार है, एकदम शिमला मिर्च टमाटर देके फुल्ली पहाड़ी स्टाइल मैगी है। अभी इसमें पानी नहीं था तो भाई साहब नीचे गए पानी लाने के लिए, तो मुझे गैस बंद करना पड़ा, अभी मैंने फिर से गैस चलाया है, और अभी देखते हैं मैगी अपनी कितनी देर में तैयार होती है। तो अपनी मैगी जैसे अपनी मैगी तैयार होती है मैं आपको मैगी दिखाता हूँ, बहुत ही टेस्टी है भाई, और इस बारिश में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है, इतना प्यारा इतना प्लेजेंट बारिश हो रहा है ना, मैं मतलब एकदम ड्रॉपलेट एकदम छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं बारिश के, बहुत प्यारा एकदम बहुत प्यारा बारिश लग रहा है। कोई भी इंसान ऐसे ही सो जाए, आप अगर ऐसे बेड पे सो जाओ तो ऐसे ही आपको नींद आ जाएगा। और हमारे शहर में इतना गर्मी है कि वहां के लोग सिज रहे हैं, पक रहे हैं, उबल रहे हैं गर्मी से। तो मैगी तैयार करते हैं फिर आपको मैगी दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हमारी मैगी बनी है देखो, बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही देर की मशक्कत के बाद ये मैगी बन पाया है, तो अभी हम इसको ट्राई करेंगे इस रेनफॉल के साथ। थैंक यू भगवान इस दिन को दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच, आप लोग बस प्यार बरसाएं तो ऐसा दिन मेरी जिंदगी में रोज आए, तो कृपया थोड़ा सा प्यार बरसाएं वीडियो पे। मैं जानता हूं कि कुछ कुछ गलतियां मुझसे हो रही है डे बाय डे डेली, उसको कोशिश करता हूं हर दिन कि मैं उसको ठीक कर पाऊं, तो आप बने रहे मेरे साथ, इन फ्यूचर आने वाले दिनों में वीडियोस की क्वालिटीज सारे कुछ अच्छे होते जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। भाई ने मैगी टेस्ट करी, कैसा लगा आपको मैगी, कैसा लग रहा भाई साहब मैगी, कैसा लगा आपका टेस्ट? अरे अरे खांसी क्यों हो रही है? एक लाख है ना सही। तो इस तरह से ब्रेड और मैगी पहाड़ के सामने, अभी मेरी बारी है टेस्ट करने की, पकड़ना भाई साहब थोड़ा सा, ओ भाई साहब पकड़ना भाई साहब, अब मेरी बारी है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। माँ कसम मैं बताता हूँ, मैंने इस मैगी में एक एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने क्या किया,
हमारा जो सूप पड़ा हुआ था ना थोड़ा सा बचा हुआ, मैंने उस सूप के ऊपर ही सारे कुछ काट के डाल दिए, तेल मसाला सब कुछ मिक्स करके और मैगी को बना दिया। अभी बहुत लाजवाब लग रही है भाई, ब्राउन ब्रेड के साथ ये मैगी, वाह ये तो मटन से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे अभी। तो मैगी वैगी खाने के बाद अभी हम चाय पी रहे हैं और व्यूज ऐसे हैं, लोग आते हैं पहाड़ों पे, मैंने जहां अभी तक मेरा जो एक महीने का एक्सपीरियंस है उसके अनुसार लोग यहां पे आते हैं, पहाड़ों पे आते हैं, दारू वारू लेते हैं, दारू वारू लेके फिर पी के अपने में बहस करके वो उस टाइम को खत्म कर देते हैं, फिर कार वार में बैठ के फिर अपने वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं। ऐसा मत करो, अगर आपको सच में पहाड़ को एंजॉय करना है ना तो 5-6 दिन की छुट्टी लेके आओ, प्रॉपर टाइम लेके आओ, पहाड़ों पे एक टेंट हायर कर लो, रेंट पे टेंट मिलती है, होटल में मत रुको। होटल तो हर जगह दुनिया में, कहां पे ऐसा कौन सा जगह जहां पे होटल नहीं है, होटल मतलब प्लीज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। आप एक टेंट रेंट पे लो, पहाड़ों पे किसी एक जगह पे जाओ, पहाड़ों पे आप कहीं पे भी टेंट लगा सकते हो, कोई भी आपको नहीं रोकेगा इस इंडिया में, हमारे इंडिया में कहीं पे भी जहां पे भी पहाड़ है आप कहीं पे भी बेफिक्र होके लोगों से पूछ लो, पहले पूछ के आराम से आप टेंट लगा सकते हो। टेंट लगा के सनसेट देखो, सनराइज देखो और पहाड़ों को बस देखो उनमें क्या क्या हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, फिर आपको पता चलेगा कि पहाड़ है क्या, पहाड़ से लोग इतना क्यों प्यार करते हैं, फिर आपको उसके एहसास का पता चलेगा। सिर्फ ये नहीं कि आए हमने होटल बुक कर लिया, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, होटल में रह रहे हैं और बस हमने थोड़ा बहुत नाइट लाइफ देख लिया, बस हमने घूम लिया मनाली या कोई भी जगह, ऐसा नहीं होता। उस जगह के नेचर को अगर आपने एंजॉय नहीं किया तो फिर आपने क्या मजा लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नेचर की मजा लेने जा रहे हो तो उस नेचर को महसूस करो, वहां के ऑक्सीजन, वहां पे जो इतना प्यारा सा ऑक्सीजन फैला हुआ चारों तरफ, इतना अच्छा, पूरा पोल्यूशन फ्री, उस ऑक्सीजन को महसूस करो, तब जाके आपको पता चलेगा पहाड़ों की क्या होती है। थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा बोरिंग हो गया ये बात, लेकिन ये मेरे दिल का था उत्साह, ये मैं बोलना चाहता था काफी दिनों से, इसलिए मैंने आज ये बोला। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो इसके लिए सॉरी, और जिनको समझ में आया होगा वो समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बस यही बात थी जो मैं बोलना। तो रात का खाना बन चुका है, किसी कारणवश खीर नहीं बन सका क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके थे। तो अभी हम अपना डिनर, ये आलू गोभी की सब्जी अचार, बहुत टाइम के बाद, कल मैंने चावल खाया कस के, इसलिए मैंने दो बार चावल लिए कल, राजमा चावल जब मैंने खाया, और अभी फिर से चावल खाने को मिल रहा है। ये भाई साहब रोटी बनाने वाले थे लेकिन मैंने बोला भाई थोड़ा चावल ही बना ले, तो भाई ने चावल बनाया है, अभी खाएंगे। और आज का दिन तो पूरा ऐसा ही गया, भाई लोगों के साथ बात की, इधर बैठ के हमने क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी की थोड़ी बहुत, कुछ समझ में आ नहीं रहा था लेकिन फिर भी कोशिश की ट्रेडिंग करने की, बहुत दिनों के बाद मैंने ट्रेडिंग की, वो भी बेकार ही चला पूरा। अभी खा पी के सोएंगे और कल आपको तोस दिखाएंगे किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन के।